Hey, what's up, G-Shock lovers? Welcome back to my channel. आज मैं आपको ये G-Shock के बारे में रिव्यू दूंगा. एक्चुअली ये G-Shock ओरिजिनल नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी है, लेकिन ये दिखने में पूरा ओरिजिनल है. किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये कॉपी है. जो मतलब प्रोफेशनल G-Shock वॉच करता है, जो नज़दीक से आके देखेंगे ज़्यादा, शायद उसको ही मालूम पड़ सकता है. ऐसे तो ये मालूम ही नहीं पड़ता ये कॉपी है बोल के. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही मतलब प्यारा सा डिज़ाइन है. ये वाइट कलर का है. जो ओरिजिनल G-Shock में जो फीचर्स रहता है, ये यहाँ पे भी है. समझिए, ये एडजस्ट का बटन है, यहाँ पे वो मोड वगैरह है, फॉरवर्ड रिवर्स है. तो ये का स्ट्रैप कुछ इस तरह की दिखता है. पीछे का मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको. देखिए दोस्तों, ये पीछे का लुक कुछ ऐसा है. फाइन. सो जैसे कि ओरिजिनल G-Shock में भी रहता है, ऐसे भी यहाँ पे भी ऐसे ही है. बस ये आप पहन सकता है, यूज़ कर सकते हैं, बट किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कॉपी है बोल के. लेकिन मैं अभी जब रिव्यू दे रहा हूँ, जब मैं जेन्युइन रिव्यू देता हूँ, तो मेरे को जेन्युइन बोलना पड़ेगा. हाँ दोस्तों, इसके बारे में आज मैं वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मतलब जब भी आप मतलब G-Shock या खरी वगैरह लेंगे, तो प्लीज़ व्हाइट कलर का मत लीजिए जितना हो सके, क्योंकि बहुत जल्दी ही मतलब गंदा दिखते हैं, गंदा हो जाता है. अब जैसे कि देखो, आप वीडियो में ज़्यादा नहीं देख पा रहे, लेकिन ये मतलब बहुत मेरा गंदा हो गया. मैं एक दो बार पहना तो गंदा हो गया मतलब. इसको ऐसे ही मतलब अब कैजुअली आपको मतलब यू नो डेली आप नहीं पहन सकते हैं उसको. कभी स्पेशल डे में आप लाइक पार्टी वेयर एक दिन के लिए पहनो, बस खोल के रख दो, फिर एक दिन पहनो, ऐसा मतलब डेली पहनेगा तो मतलब पूरा गंदा हो जाएगा. और जैसे कि ये तो कॉपी है, ज़्यादा उसको वॉश भी नहीं कर पाएंगे. तो ओरिजिनल होगा तो आप वॉश कर पाएंगे ना. सो दैट्स थिंग. सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके G-Shock का ब्रांड लिखा हुआ है. थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको. यहाँ का लाइट एक है, लेकिन ये ज़्यादा दिखता नहीं है मतलब. लाइट है उसमें, आपको डेट वगैरह देखने को मिलेगा आपको. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और हो सके तो एक कमेंट भी कर दीजिए. थैंक यू सो मच.